मुझे नौकरी करने की कोई जल्दी नहीं है, उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, आपको अंग्रेजी बोलने की कोई जल्दी नहीं है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन नो हरी टू, इन नो हरी टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देने इन नो हरी टू, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको अंग्रेजी बोलने की कोई जल्दी नहीं है, यू आर नो हरी टू स्पीक इंग्लिश, यू आर नो हरी टू स्पीक इंग्लिश। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज नो हरी टू गो होम, ही इज नो हरी टू गो होम। मुझे नौकरी करने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू डू अ जॉब, आई एम इन नो हरी टू डू अ जॉब। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड, आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड। आपको खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, यू आर इन नो हरी टू कुक फूड, यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। पिंकी को स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं है, पिंकी इज इन नो हरी टू गो टू स्कूल, पिंकी इज इन नो हरी टू गो टू स्कूल। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज इन नो हरी टू गो होम, ही इज इन नो हरी टू गो होम।